अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। महिला अपराध के लिए बहुत बड़ी मिसाल आपको साबित करती जो इनके नाम अभी तक आए। हमारी कोशिश फुल होनी चाहिए कि 40 लड़कियों के नाम बाहर ना आए, इनके फोटोज बाहर ना आए, क्योंकि मुख्य उद्देश्य यही है कि वर्ल्ड वाइज कर दीजिए, क्योंकि इसमें कई महिलाएं भी आ जाती हैं जिनको सीखना जरूरी है। इसमें हम पुरुष भाइयों में क्या काम करते हैं बच्चियों को, ये जो सबसे कड़क इसके ऊपर होना चाहिए, ताकि ये सबक के रूप में प्राइवेसी की सुरक्षा हो, उसका पूरा ध्यान। ठीक है, यही मेरे को जानना था, निकल गई थी तो मैंने जैसे मैं आपको बधाई दे रही हूँ उसको पकड़ भोपाल में भी बड़े बड़े घटने चल रहे हैं। एक नई तरीका मॉडल एक आ गए प्रयास किया इंस्टाग्राम के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम। आप थाने पे आए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बच्चियों ने मुझे अप्रोच किया था जब ये आरोपी इन लोगों को प्रताड़ित कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था। इनके आईडी में, इनके परिजनों के आईडीज़ को हैक करके, इनके खुद के आईडीज़ को हैक करके इनके पिक्चर्स वहाँ से निकाल रहा था, इनके अकाउंट्स से, और उनके फेस लेके, दूसरी बॉडी लगा के उनका फेस लगा के, और अपने 25 से ज़्यादा उसके इंस्टाग्राम अकाउंट्स थे, उस पर वो चला रहा था और इन बच्चियों को ब्लैकमेल कर रहा था इन। और मैं धन्यवाद देने अभी इन बच्चियों से मिली, क्योंकि इनकी हिम्मत देखिए, ये डरी नहीं, ब्लैकमेल नहीं हुई, ये सीधे मेरे पास आई, इन्होंने शिकायत की, मैंने एसपी साहब से बात की, और आज मैं पूरे पुलिस बल को बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि इतना फास्ट कदम उठाते हुए उन लोगों ने इस लड़के को पकड़ा है, उसके अगेंस्ट उचित कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और मैं खास यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि ऐसे काम देवास में बिल्कुल नहीं चलेंगे। महिला अपराध को हमने ज़ीरो करके रखा हुआ है देवास में, वो ज़ीरो ही रहेगा। अगर कोई ऐसा अपराध करता है, उसे सख्त से सख्त नेशनल सिक्योरिटी कानून के तहत सख्त सख्त कार्रवाई होगी उस पे, और इन बच्चियों की सुरक्षा का ध्यान। मैं इसमें आपने महिला सुरक्षा को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए पुलिस से बात की, किस तरह की कार्रवाई पुलिस कर रही है, जैसा कि रासुका की बात सामने आ रही है? जी, ये सब सख्त कार्रवाई रासुका लगेगी, और जो भी ऐसे नॉन अवेलेबल इनके ऊपर सख्ती से हम धाराएं लगा सकते हैं, लगा के एक एग्जांपल सेट करना चाहते हैं उन सब नौजवानों के लिए कि आप इस तरह की गंदी हरकतें मजाक में आप करते हैं, पर आप इन बच्चियों की इज्जत से खेलते हैं। और हमारी बहू बेटियों को आज इतना साहस है कि वो दबती नहीं है, डरती नहीं है, वो घर आकर इसकी शिकायत करती हैं, और 40 से अधिक बच्चियां हैं ये जिनको उसने प्रताड़ित करने का काम किया है, और आज वो 40 की 40 बच्चियां यहाँ पर खड़ी हैं हिम्मत के साथ लड़ने के लिए, और मैं उनके साथ खड़ी हूँ उनको संबल देने के लिए। मैं पहली बार मध्य प्रदेश में देखने में आया कि कोई जनप्रतिनिधि, खासकर विधायक थाने पहुँची है और 40 युवतियों की आवाज़ बुलंद कर रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, केवल एक महिला होने के नाते ही नहीं, मेरी भी बेटी है, इसी उम्र की मेरी भी बेटी है, मैं जानती हूँ कि बेटियों
को कितना साहस करके इस समाज में जीना पड़ता है। तो अगर बेटियां साहस करके बाहर आती हैं, अपराध के अगेंस्ट लड़ती हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके साथ खड़े रहें। और केवल मेरा साथ दिखाने के लिए, मेरा सहयोग दिखाने के लिए आज मैं उनके साथ आई हूँ यहाँ पे। और पुलिस प्रशासन को भी मैं बधाई देती हूँ कि उनने इतनी अच्छी कार्रवाई करके सख्त सख्त। अहम सवाल है विधायक जी, क्योंकि महिला शक्ति का आपने यहाँ पे बताया है, तो क्या संदेश अन्य महिलाओं को और बच्चियों को आप देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? जी, मैं सभी महिलाओं को बोलूँगी कि इन 40 युवतियों ने जो शक्ति दिखाई और साहस दिखाया, उस साहस से मैंने अभी भी उन 40 युवतियों को बधाई दी, क्योंकि उन्होंने साहस दिखा के हजारों सैकड़ों, और मैं तो बोलती हूँ लाखों युवतियों को सुरक्षित किया है इन्होंने साहस दिखा के। तो उसके लिए इनकी सराहना करना मेरा कर्तव्य था, इसलिए मैं आई। ठीक, थैंक यू सर। एक शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो इंस्टाग्राम पर कई युवतियों को परेशान करता था, खुद विधायिका महोदया भी यहाँ पर पहुंची थी, क्या कहेंगे? इसमें पुलिस को एक सफलता मिली है जिसमें कि ये व्यक्ति लोगों के फोटोग्राफ्स को मॉक करके उनको इंस्टा आईडी बनाया था उसने इंस्टा 40 के नाम से, और उसमें ब्लैकमेल किया जाता था। इस पूरे नेक्सस को हम लोगों ने नैप किया है, इसको पकड़ा है, और इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में एक रिपोर्ट्स आई हैं जिसके ऊपर हम बड़ी कार्रवाई करें। किस तरह से सर वो जो है युवतियों को परेशान करता था, कितनी आईडी अभी तक जो है प्रारंभिक पूछताछ में सामने आई है? करीबन 40 आईडी के आसपास आई हैं, और इसमें जो इसकी का मॉडस ऑपरेंडी थी फोटोग्राफ को प्रिंट फोटो के साथ में मॉर्फ करना, मॉर्फिंग मतलब होता है किसी के चेहरे पर कोई दूसरा चेहरा लगाकर और उसको ब्लैकमेल करना, जिनके तहत हमने सेक्शन धारा 384 भादावी और 66 ई इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट में कायम किया है, और इस पर हम आगे कार्रवाई। क्या ये असली फोटो वीडियो भेजता था युवतियों को? सर ये उसको बना लिया जाता था, इस तरीके से आईडी क्रिएट कर ली जाती थी और उसको फिर ब्लैकमेल किया जाता था। सर मेरा है, और भी कोई लोग इसके साथ? मैं अभी पूछताछ है, प्रारंभिक पूछताछ सर। इसमें विधायक नाम होंगे तो हम डेफिनेटली, इसमें विधायक को इंटरवीन करना पड़ा, पुलिस ने पहले कार्रवाई नहीं कर पाई, जब विधायक को इंटरवीन करना पड़ा उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस को जैसे ही संज्ञान प्राप्त हुआ और इसमें जो फरियादी है वो समक्ष में है, और तत्काल ही हमारी साइबर सेल की टीम ने उसको डिटेक्ट किया है, उसको पकड़ा है, या कि ये सोशल मीडिया पे किया जा रहा था, जैसे ही इसके कंप्लेंट सामने आए इसके तत्काल कार्रवाई। विधायक जी भी खुद अभी आई थी सर, गंभीरता से लिया है पूरे मामले को, क्या कार्रवाई की जा रही है आरोपी पर? जो बेसिकली आगे इसमें सख्त प्रतिबंधक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ये इसमें किया गया, बाकी अपराध में भी इसका हम कन्विक्शन सुनिश्चित करवाने के लिए इसको चिन्हित करेंगे और उसमें कार्रवाई करेंगे। सर इसमें कोई ऐसी कार्रवाई की जा रही, या कि मैंने जैसा बताया कि इसमें हम सख्त प्रतिबंधक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इस तरह के मामले अब सामने ना आए, युवतियां परेशान ना, इसको लेकर कोई जागरूकता है, कोई संदेश पुलिस की ओर से? साइबर अवेयरनेस के लिए लगातार प्रोग्राम चलाए जाते हैं, कई एडवाइजरी जारी की जाती हैं, पुनः इसको हम स्कूल कॉलेजेस और वार्ड वाइज भी इसकी जनसंवाद करने के लिए जाते हैं, तो जनसंवाद में भी साइबर सिक्योरिटीज और साइबर को किस तरीके से फ्रेंडली करना है और किन चीज़ों को नहीं करना है इसके बारे में बहुत गहन जानकारी देंगे, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सर ऐसी कोई पीड़िता सामने आई जिसने राशि वगैरह दे दी हो उसको मनी ट्रांसफर? यह सब कॉन्फिडेंशियल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसमें उतना ही बता सकता। थैंक यू सर। ठीक सर, थैंक यू।